गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। 3.1 इज वेरी इजी एक्सरसाइज, यू कैन डू बाय योर ओन। बट हम ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। तो हम सीखे हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। 3 2s are 6, 3 0s are, when any number multiply by 0, the answer will be 0. तो आंसर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 3 2s are again 6, 3 3s are 9, very easy question. B is also similar type of question. Again we are going to multiply by 3, 3 1s are, any number multiply by 1. We will get answer number itself, or we can say same number. 3 1s are 3, 3 0s are, अभी मैंने आपको बताया था ना, 3 0s are 0, yes. 3 1s are 3, 3 2s are 6. Number increase हो रहा है, yes. In the next question we are going to multiply by 4. 4 7s are, yes. 4 7s are 28. अब 28 आ गया, अब क्या करें हम? 28 तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे और 2 को कहाँ करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 4 8s are 32, 32 and 2 33, 34, अगेन कैरी फॉरवर्ड। 4 0s are 0, बट ये 3 को तो ऐड करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि ये तो कैरी में, तो आंसर विल बी 3. 4 1s are 4. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, यस, मल्टीप्लाई बाय 5. 5 3s are 15, 1 इज कैरी फॉरवर्ड। 5 4s are, यस, 5 की टेबल तो बहुत इजी है, सबको आती है। 5 4s are, यस, 20, 20 and 1 21, वी कैन कैरी फॉरवर्ड टू। 5 3s are, अगेन 5 3s are, तो हमको पहले से पता है, हमने ऑलरेडी लिख दिया। 5 3s are 15, बट ऊपर 2 कैरी है, 16 17, अगेन 1 कैरी। 5 3s are 15 and 1 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट इन दिस क्वेश्चन इफ यू ऑब्जर्व, ये 4 डिजिट नंबर थे, ये 5 डिजिट नंबर हो गए, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, हम तो कितने भी डिजिट लिख दो, हमें तो सॉल्व करना आता है। 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 1s are 2, बहुत इजी, वेरी इजी एक्सरसाइज। 3 8s are 24, 2 कैरी। 3 2s are 6, 6 and 2 8, 3 6s are 18, yes, 18 and 1 carry. 3 0s are 0, 0 and 1 1. 3 3s are 9. Now the last question. 4 9s are 36, 3 carry. 4 2s are 8, 8 and 3 9 10 11, 11 का 1 एंड 1 कैरी। 4 2s are 8, 8 and 1 9, अगेन 4 2s are 8, 4 2s are 8। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन वी ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? यस, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। नाउ 4 2s are multiplied by 3, अब क्या कर रहे हैं यहाँ? 4 multiply by 2 multiply by 3, हमें ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसको लेंगे 4 2s are 8, और ये जो रिमेनिंग है उसको वापस लिख देंगे। 8 3s are 24, यहाँ पे हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 3s are 2 into 3, 3 into 4, again 4 into 5, तो
हम क्या करेंगे पहले, टू थ्री जा सिक्स इंटू फोर इंटू फाइव, नाउ सिक्स फोर जा यस वेरी इजी, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव। अब हमें फाइव की टेबल 24 तक नहीं आती और 24 की टेबल फाइव टाइम नहीं आती, हमें 24 की टेबल नहीं आ रही ना, तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी, टू कैरी, फाइव टू जा टेन एंड टू ट्वेल्व, आंसर इज 120। मिल गया हमें आंसर। अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो तो हम साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 की सम सम्स तो मैंने कर दिए कुछ कुछ सम्स, और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो क्या करोगे, आपको खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है ना, तो सारी एक्सरसाइज आप सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में फिल करके मुझे फोटो सेंड कर देना। ओके बच्चों, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।